सबसे पहले आप इसकी ये अच्छा यहाँ से काटोगे इतना कितना 16 इंच काटोगे। अच्छा ये सारा खोल दोगे सारी सिलाई खोल दोगे। अच्छा तो आप अभी इसका बैग बनाओगे जैसे पहले बैग बनाया था वैसा बैग बनाओगे से। तो जो पुरानी जीन्स का हम बैग बना रहे हैं तो मेरी जुगाड़ू मम्मी हमारी पुरानी जीन्स लेकर उसका मस्त एक ट्रैवल बैग बनाने वाली है। मम्मी ने पहले भी बनाया था तो वो ब्लैक कलर का है वो भी रखा है वो भी दिखाऊंगा। तो अभी ये दोबारा बना रही है एक और बैग। ये मतलब इतना सॉलिड होता है कि इसमें आराम से आप अपने पूरा ट्रैवलिंग किट सारा ट्रैवलिंग के कपड़ा वगैरह सब कुछ डालकर मस्त इसको लेके घूम सकते हो और बहुत मतलब मजबूत कपड़े का बनता है क्योंकि जीन्स हमें पता है कितनी ज़्यादा सॉलिड होती है। यहाँ से काटने के बाद ये खोल दिया वहाँ से है ना। तो इसका सबसे पहले क्या बनाओगे बेस बनाओगे। तो इस साइड से भी काट दोगे इसे। तो ये वाला पार्ट जो जिप वाला था ये मम्मी ने काट के निकाल दिया। अभी पीछे वाली साइड का काट रहे हो जो जीन्स के बैक साइड पे जो सिलाई होती है ना उसको भी काटना है हमें उसको भी खोल देना है। अच्छा दोनों को मैच करके फिर सीधा काट दोगे। अब यहाँ से कितनी लेंथ होगी 16 इंच वहाँ से है। अच्छा यहाँ से भी 16 करोगे मैच कराओगे। तो दोनों साइड से बराबर होने चाहिए सिर्फ 16 इंच है ना। ऐसे ही इसको भी करेंगे सेम। तो सेम प्रोसेस इसके साथ भी रिपीट करेंगे हम। ये भी काट के दोनों मैच करा दिए है ना। ठीक है तो सबसे पहले कटिंग पे ध्यान बिल्कुल सही देना है कि बिल्कुल सही काटना है और मैच करना चाहिए एकदम आगे मतलब दोनों पार्ट। बारी है जो नीचे पैंट के आगे का हिस्सा जो बच गया था जो टांगे होती हैं हमारी लेग वाला पार्ट। अब इसका क्या बनाओगे मम्मी? इसके बनाओगे जिप के लिए और टांगे के लिए। अच्छा ये जो हम यूज़ करेंगे जिप के लिए जो ऊपर का जिप वाला पार्ट है उसमें साइडों के लिए और तनिया बनाने के लिए इसकी। तो यहाँ से भी ये मम्मी ने काट दिया कि जिससे इसको खोलने में इजी रहे राइट। जैसे ये हमने दोनों साइड से खोल दिया है ऐसे ही सेम हम इसमें करेंगे। इसको भी हम ये दोनों सिलाइयों को खोल देंगे तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मम्मी उसको काट के बिल्कुल बराबर कर रही हैं। अच्छा उल्टा करके मतलब ये हम इसकी सिलाई मारेंगे अंदर की साइड से। अच्छा मतलब यहाँ पे सिलाई मारने के बाद इसके अंदर एक कपड़ा और लगाओगे सपोर्ट के लिए अस्तर जिसे कहते हैं। दो टुकड़े करके यहाँ पे जीप लगाऊंगी।
अच्छा तो वो उसका मुंह बन जाएगा। अच्छा साइडें बन जाएंगी वो। समझ गया, इस वाले से बनेगा इसका मुंह जिसमें जिप लगेगी, ऐसे ही इसकी बनेगी साइड, और ऐसे ही इस बनेगी यहाँ की साइड, फिर इसकी और बाकी बचे हुए कपड़े की बनेंगी पकड़ने के लिए तनिया या हैंडल कह लो आप, हैंडल कह लो, है ना। इस वाले कपड़े का मम्मी लगाएंगी अस्तर जो इस बैग के अंदर की साइड में लगेगा। तो अभी मम्मी ना इन जेबों को भी फिक्स कर रही है कि जिससे यहाँ वहाँ ना भागें बैग बनने के बाद। ऐसे ही सेम दूसरी वाली जो पॉकेट लगी हुई है जीन्स की, उसके साथ सेम उसको भी फिक्स कर रही है मम्मी अभी। तो जैसे आपको बताया था कि वो नीचे वाले पार्ट में हमें सिलाई मारनी है अंदर के साइड से, तो अब हम वही कर रहे हैं, तो आपको भी सेम ऐसे ही करना है। वो अभी सिर्फ एक सिलाई थी, तो ये अब इसको खोल दिया मम्मी ने, तो अब उसको एक बेस की तरफ पे सेट करके उसको दोबारा सिलाई कर रहे हैं जैसे जीन्स में होती है ऑलरेडी, तो जिससे ये और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। आपने इसको सारी साइड से नाप कर बराबर कर दिया है ना, सीधा कर दिया एकदम। इसकी लेंथ है 24 इंच की, इतने हम जिप लगाएंगे। तो इसके अच्छा 24 इंच के हम जिप लगाएंगे जितनी इसकी लेंथ है। इसके दो टुकड़े करेंगे सेंटर से। अच्छा बीच में से दो पीस कर देंगे इसके। टोटल कितना आएगा ये? अच्छा चारों साइड से पूरा नाप लिया, 40 आधा इंच दूर सिलाई के लिए, 40 सिलाई मारने के लिए हमने आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है, एक इंच तेईस रख लेते हैं। तेईस इंच लेंथ हमने उसमें से निकाल ली है, और बाकी टोटल हमारा 41 था। अच्छा इसमें जिप लगेगी, फिर वो साइडों में लग जाएगा। इसके हम बनाएंगे हैंडल पकड़ने के लिए। मतलब हमें पहले तो सारा बराबर करना है ना, सारा सीधा करना है और बराबर करना है, जो भी एक्स्ट्रा मुड़ा हुआ है कपड़ा है वो सब काट देना है। मम्मी ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है कि जिससे बाद में काटने पीटने में कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे हमने जो अंदर सिलाई लगाई थी सबसे पहले उसको फिर हमने साइड में फोल्ड करके डबल कर दिया था, तो वैसे ही सेम जिप के साथ भी करेंगे जिससे कि वो और सॉलिड हो जाए, मजबूत हो जाए। अब ऐसे ही सेम हम दूसरी साइड भी लगाएंगे इसे। ये लग गई हमारी जिप।
एक साइड से वहाँ से डाल दिया और एक साइड से इस तरह से ये कुंडा डाल देंगे जिप का दोनों साइड को। सेंटर है ना? हाँ, ये सेंटर ले लिया। ठीक है, फिर इसके इस सेंटर में ऐसे। अच्छा, ऐसे ठीक है। ठीक है, मम्मी अभी ये वो अंदर वाला कपड़ा है वो काट रहे हो अस्तर लगाने के लिए। जो साइडों में लगेगी लेफ्ट और राइट साइड उसमें अस्तर लगा रहा हूँ। लाइनिंग आपने लगा दी है हर हर एरिया में है ना, अंदर में। और उसके बाद आपने ये लगा दिए, टांग दिए, ये जो हैंडल्स है वो भी मम्मी ने इसमें फिक्स कर दिए हैं, राइट। और उसके बाद जो ये है ये साइड्स हैं, ये लेफ्ट साइड है कोई भी कह लो, ये अपर जिप वाला एरिया हो गया है ना। और इसमें मैंने यहाँ पे जेब लगा दी। अच्छा, ये राइट साइड हो गई, मतलब जिस भी तरीके से कर रहे थे दोनों साइड आपने जेब भी लगा दी, अंदर की साइड ही उसको यूज करके आपने अस्तर को जेब लगा। अब यहाँ ये है सेंटर का ना। हाँ, सेंटर है ये 8 इंच, ये 8 इंच की ना। हाँ, ये 8 इंच है। हाँ, ठीक है। चार ही का चार सेंटर ले लिया। हाँ, सेंटर पे हमने इसको फिक्स कर दिया। अच्छा, सेंटर से 4-4 इंच नाप कर आपने इसको फिक्स कर दिया। हाँ, इधर भी और इधर भी। और सेम ऐसा इस तरफ किया है। हाँ, ठीक है। अब ये होएगा कि यहाँ पे इधर को ऐसे
ठीक है समझ गया, ऐसी सिलाई लगेगी और ऊपर जुड़ता चला जाएगा ये। तो अब ये जैसे जैसे इसमें सिलाई लगती चली जाएगी ये बैग के शेप में आता चला जाएगा। तो ये अब बैग बनके हमारा तैयार होने वाला है। ये फ्रंट साइड है बैग का, ये फ्रंट साइड है, वो अंदर की साइड है। हाँ 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 पता मेरे को। तो गाइस ये देखो, ये जो पॉकेट लगाई थी वो ये है, जो मैंने आपको दिखाई थी वो ये पॉकेट है दोनों साइड्स पे, इस तरफ भी और डाल के भर के और उस तरफ भी है, और इसमें भी सामान रख के हम आपको सीधा वो दिखाते हैं। सो दिस इज द फाइनल लुक। तो शी इज आवर मॉडल जो जो बैग लेके जा रही है घर। हम लेके दो साल बाद चढ़ा जाओ। तो देखो जुगाड़ू मम्मी ने पुरानी जीन्स का इतना मस्त बैग बना दिया। हाँ तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई बात नहीं। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना अगर आप कुछ ऐसा ही और क्रिएटिव या जुगाड़ू चीज़ें चाहते हैं हमारी जुगाड़ू मम्मी से। ये वाला भी और दूसरा वाला एक बैग और है वो भी दिखाओ। तो ये भी एक बैग और है जो इसी के साथ का इसका भाई है, ये दूसरे टाइप की पैंट का बना हुआ है। हाँ बट इट लुक्स नाइस।